हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज हम डोमपेरिडोन टेबलेट की जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। ये एक एंटी हेमेटिक ड्रग है जो कि उल्टी को बंद करने के लिए, चक्कर के लिए दी जाती है। आज हम इसके और भी उपयोग देखेंगे। बच्चों को भी उल्टी बंद करने के लिए इसको सिरप के फॉर्म में दिया जाता है, डोमपेरिडोन सिरप। आज हम इसके सारे उपयोग देखेंगे, कब कब उपयोग किया जाता है और ये काम कैसे करती है हमारे शरीर में जाकर, इसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, क्या क्या ब्रांड नेम से बिकती है ये, स्पेशल वार्निंग क्या है एक्सपर्ट के द्वारा दी गई, और इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, मतलब कि किस किस बीमारी में हमें डोमपेरिडोन नहीं लेना चाहिए। तो आज हम ये सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और इस जानकारी का फ़ायदा ले पाएँ। तो आइए देखते हैं आज की जानकारी। अब हम इस डोमपेरिडोन टैबलेट के उपयोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो डोमपेरिडोन टैबलेट है उसका उपयोग वर्टिगो और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। इसके बाद है वर्टिगो में किया जाता है, मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होता है, नोजिया के लिए यूज़ होता है, वोमिटिंग के लिए यूज़ होता है, यानी जब उल्टी आती है, उमितली आती है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जब अपच हो जाता है, यानी कि इंडाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम डोमपेरिडोन टेबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम डोमपेरिडोन टेबलेट लेते हैं तो ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देती है और इसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिससे कि जो खाना होता है वो स्टमक से पास होकर आसानी से इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके बाद है ये, जब डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है वो अपने रिसेप्टर से जुड़ता है तो हमें वोमिटिंग आती है, और यही डोपामिन को अगर हम रिसेप्टर पे अटैच ना करवाते हुए डोमपेरिडोन को अगर रिसेप्टर से अगर जुड़वा देते हैं, डोमपेरिडोन लेकर ये रिसेप्टर से जुड़ता है जिससे कि ये डोपामिन एंटागोनिस्ट का काम करता है, तो इस तरह से ये हमारी उल्टी को रोकता है। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्टमक पेन और डायरिया हो सकता है। अब हम डोमपेरिडोन टेबलेट के कुछ ब्रांड नेम्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बोमी स्टॉप करके सिप्ला की टेबलेट आती है, इसके बाद है डोमिटिन करके आती है नेविल लेबोरेटरीज की, और मोटिलियम एम नाम की जेंसन फार्मास्यूटिकल्स की आती है। इसके बाद जेंसन फार्मास्यूटिकल्स की ही एक गैस्ट्रेक्टिव नाम की आती है टेबलेट। इसके बाद है कैडिला की आती है, डोमपेराम नाम की टेबलेट आती है। तो ये सारे इसके ब्रांड नेम रहे डोमपेरिडोन टेबलेट के। अब हम कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस या वार्निंग देख लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने डोमपेरिडोन टेबलेट दी है नोजिया वोमिटिंग या इनडाइजेशन को रोकने के लिए, तो आप ध्यान रहे, इस टेबलेट को लेने के बाद आपको डिजीनेस और स्लीपीनेस ज़्यादा हो सकती है, इस कारण आपको ड्राइविंग नहीं करना है इस टेबलेट को लेने के बाद। इसके बाद है, इस टेबलेट को आपको खाने के पहले लेना है, और इस टेबलेट को लेने के साथ आपको अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नींद इससे आ सकती है। अगर आपका ड्राई माउथ हो रहा है तो आप बार बार पानी पिए और हाइजीन रखें आपके माउथ को। इसके बाद है, आप कुछ कैंडी की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है, अगर आपको वाटरी डायरिया हो रहा है या फीवर हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं और ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इसके बाद है, डोमपेरिडोन टेबलेट को 7 दिन के बाद ना लें, आपके डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। अब हम डोमपेरिडोन की कुछ कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। इसके कंट्राइंडिकेशंस में है, अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है तो भी आपको इसको अवॉइड करना है। अगर पेट से रिलेटेड या आँत से रिलेटेड कोई ब्लीडिंग है या कोई ब्लॉकेज है तो भी आपको नहीं लेना है। ब्रेन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो भी नहीं लेना है। हार्ट डिसीज अगर है तो नहीं लेना है। ब्लड में अगर मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम का इम्बेलेंस है, ऐसे पेशेंट को भी नहीं लेना है। अगर किसी तरह की बहुत गंभीर लीवर की कोई डिसीज़ है तो भी आपको डोमपेरिडोन को लेने से अवॉइड करना है। अगर ये जानकारी, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी जानकारी का फ़ायदा ले सके। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।